जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। जी इस वक्त 6 बज रहे हैं और मेरी जो सवारी है समर की मुनासबत से, जिस तरह मैंने कहा कोई ना कोई एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो इस वक्त जो है मैं जा रहा हूँ मुस्लिम सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, जिस तरह पहले भी मैंने हर साल पेंडेमिक की वजह से 2 साल छुट्टी रही है, लेकिन जापान फेस्टिवल, मुस्लिम हलाल फेस्टिवल, मुस्लिम फूड फेस्टिवल, तो आज क्या नाम है, मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ की बहुत स्ट्रांग है या क्या है। इससे पहले हलाल सम काइंड ऑफ मार्केट, हलाल मार्केट या फास्ट फूड मार्केट काइंड ऑफ थिंग थी, अब ये है हलाल फूड फेस्टिवल है या मुस्लिम फूड फेस्टिवल है, वही सेलिब्रेशन स्क्वायर में। तो सुबह में गया था ऐसे ही देखने के लिए कि कैसे तैयारियां होती हैं। वॉक करने के लिए निकला था अपने वो 10,000 स्टेप्स का जो मेरा, तो मैंने कहा चले मौसम तो बहुत अच्छा है तो बाहर ही वॉक किया जाए उस इलाके में। एनी हाउ, सो आई वेंट देयर, आई मेड द स्मॉल वीडियो, वो आईफोन वाली वीडियो थी टिकटॉक के लिए। तो मेरी रवानगी उधर की तरफ है और मैं आगे की तरफ करता हूँ ताकि मुझे देखने की बजाय आप। जी वीर, तो 2-4 कमेंट्स वगैरह को देख लिया जाए। अब आप देख सकते हैं इस वक्त जो बादल हैं, जो आपको अंदाजा हो गया होगा कि वेदर कैसा है। तो मेरे पास ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई, हालांकि गूगल या कोई भी वेदर चैनल जो है गूगल के ऊपर, आपको यहाँ का वेदर पता लग जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई वेदर कैसा है। तो वेदर मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि इस वक्त 23 डिग्री है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का वेदर है। आप बादलों की जो गनगनाहट है देख रहे हैं, जो उनका कलर है उससे अंदाजा लगा लें कि कितना अच्छा वेदर होगा यहाँ का। सुबह के वक्त लिटरली सर्दी लगती है। परसों रात को मुझे हीटिंग चलानी पड़ गई थी, घर का टेम्परेचर जो है 70 या 69 या 70 के करीब हो गया था। अच्छा, तो इस दौरान में जब बेसमेंट्स वगैरह होती हैं, तो चूंकि किराएदार नीचे होते हैं, तो ऑफिशियली तो आप 15 अप्रैल को बंद कर सकते हैं, लेकिन आई डू केयर अबाउट माई टेनेंट्स। तो मैंने कहा यार ये नीचे दिन लोगों को बहुत ही सर्दी लगेगी, और वो लड़के भी जो है वो बेचारे सुबह 5:30 बजे उठ के जाते हैं जॉब के लिए, उनकी 6 बजे गाड़ियां निकल चुकी होती है, उसे बहुत पहले ही निकल जाते हैं, और सुबह के वक्त बाकायदा सर्दी होती है। तो मैंने फिर हीटिंग चलाई, सुबह जब उठा तो वाकई सर्दी थी। तो मौसम तो ये है यहाँ का, यहाँ प्रॉपर तरीके से गर्मी, एक और क्वेश्चन गर्मी आती कब है, तो गर्मियां यहाँ सही मानों में अगर कहा जाए ना, नॉर्मली तो अब वेदर हर जगह चेंज हो रहा है, तो नॉर्मली 15 से 20 जून या 1 जुलाई तक आ जाती है। तो 1 जुलाई पूरा जुलाई का महीना और अगस्त आप कह सकते हैं ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, लेकिन इस दौरान में ठीक, क्या जबरदस्त व्यू बन रहा है व्यूअर्स। तो इस दौरान में क्या नाम है, इक्का दुक्का बारिश होती है नो डाउट, लेकिन मोस्टली जो है ना वेदर अच्छा ही रहता है, गर्म रहता है, 30s में भी जाता है। अभी पीछे एक दो दिन पहले क्या नाम एक लहर आई थी गर्मी की, तो 38-39 तक फील लाइक, वैसे 33 या 34 था। तो गर्मियां तो होती हैं। मैं एक आध वीडियो मैंने जिक्र कर दिया था पुर्तगाल का और सऊदी अरब वगैरह का, तो एक तो बात है व्यूअर्स, टिकट बहुत ज्यादा महंगे हो गए मुझ जैसे, इट्स वेरी हार्ड। मैंने एक ट्रिप बनाया था कि भाई यहाँ से सऊदीया जाते हैं, सऊदीया में रह के, क्योंकि हज के दौरान आजकल हज शुरू होने वाला है, तो विजिट वीजे वगैरह उन्होंने 7 या 8 जून के बाद से बंद कर दिए हैं। 7 या 8 जून के बाद से विजिट या स्पॉन्सरशिप वाले या आई डोंट नो, एटलीस्ट विजिटर तो अलाउड नहीं है, क्योंकि लोग लगाते थे खांचा, क्योंकि लोग लगाते थे खांचा उसका हज का,
और मेरे एक दो जानने वाले गए हुए हैं वहां पर। यहाँ से इस वक्त जो हज पड़ रहा है वो तकरीबन $15,000, मैं बिल्कुल दरमियाने किस्म के हज की बात कर रहा हूँ, ना बहुत वीआईपी ना बहुत ही थका हुआ, तो तकरीबन $15,000 में हज पड़ रहा है इस वक्त। तो हमारे हैं एक जानने वाले, उन्होंने क्योंकि यहाँ पर ई वीज़ा तो सबको ही मिल जाता है, तो वो मई में ही चले गए हैं। उन्होंने कहा भाजी जरा लग गया दाँत ला लाँगे नीचे, तो उसमें वो तकरीबन 1,200 मोहल्लम की फीस है और वो इस वक्त सुकून से मक्का में बैठे हुए हैं सिर्फ एहसास पे। ओह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, बादलों के साथ बिल्डिंगें जबरदस्त लग रही है। ये यहाँ पर क्या नाम है, ये सारा देख सकते हैं, बसों से लोग धड़ाधड़ उतर रहे हैं। तो ये जो है ना स्क्वायर वन का बस टर्मिनल है जिसे कह सकते हैं, सामने जो पहले नजर आया था, बहुत सारे लोगों ने ये देखा हुआ है। अच्छा तो फिर अच्छा टिकट मैंने लिया था 15 जुलाई तक का सऊदीया का, उसके बाद आगे लाहौर का, और वो भी टिकट पड़ रहा था $1,400-1,500 का। अभी मैं टिकट को क्लिक करने ही वाला था कि भाई बना लिया था सारा आइटनरी वगैरह सेट कर दी थी चीपो एयर से, एकदम ही दिमाग को झमाका हुआ यार, मैंने कहा $1,400-1,500 वन वे, अच्छा ये वन वे टिकट की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने कहा सोचा था कि वहां से आगे टिकट लेके इधर उधर जाऊंगा, और मैं कहा यार जब देखा एक दफा क्लिक करने से पहले मैंने ना टेम्परेचर की तरफ देखा, तो उस दिन जिद्दा में जिस तारीख को मुझे उतरना था जिद्दा, तो वो 44 डिग्री था। मैंने कहा यार इधर पे 30 बर्दाश्त नहीं होता, 44 में वहां जाना इज गोइंग टू बी टफ, एंड आई चेंज माय माइंड। मैंने कहा यार हम वो है कि हम अपना कनाडा पूरे तरीके से देखा नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान ही देखा, पूरी दुनिया की सैर करने के लिए निकल गए। तो मैंने कहा यार इस समर को कनाडा के लिए यूज करो, क्योंकि टिका जाता नहीं है, निकलना है कहीं भी हो निकलना है। ये देखें ये शेरिडन कॉलेज है, जो व्यूअर्स पुराने हैं उन्होंने देखा हुआ है। तो मैं ये सारा वही स्क्वायर वन का जो हमेशा मैं दिखाता हूं, तो मेरा इरादा यही है कि जी नवंबर में मैंने देखा है कि सऊदीया का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर में निकला जाएगा उन इलाकों की तरफ। तो जाने की सूरत हाल तो ये है। तो अब आपको हो सकता है कि मोस्टली जो है आप यही कनाडा अमेरिका हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो मैं यार आगे से टर्न बनाऊंगा, ये यहाँ पर ये देखे हिजाब फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर, मुस्लिम फेस्टिवल। आपको मोस्टली जो है ना जो लोग नजर आएंगे, देख रहे हैं गाड़ियों का अंबार, लेकिन मैंने अपना एक सीक्रेट स्पॉट रखा हुआ है। मैं कहीं ना कहीं जहां भी पार्किंग होती है तो मैं अपना एक सीक्रेट स्पॉट बना लेता हूँ, क्योंकि वैसे भर गया है, मुझे लगता है कि मेरा सीक्रेट स्पॉट चोरी हो गया है। ये देखें व्यूअर आप, और इमिग्रेशन से रिलेटेड, नॉट इमिग्रेशन, वीजो से रिलेटेड, आजकल दबा के स्टूडेंट वीजो की रिफ्यूजल आ रही है, दबा के विजिटर वीजे की रिफ्यूजल आ रही है। ये मेरा सीक्रेट वो है, यहां लोग डरते डरते नहीं लगाते, टिकट नहीं लगाया। ओ तेरी कि ना टिकट लाता भाजी, ना टिकट लाता जे इन्होंने, टिकट लाता जे इन्होंने, टिकट लाता जे। देखें यहाँ पर क्या कहानी है, मैं देखता हूँ क्या है। ये मशीन है, अगर हाफ एन आवर यार आधे घंटे के एक है, डेली मैक्सिमम $6 है। ये देखें ये भाई साहब भी आ गए हैं, तो इससे अच्छा है कि
जी भैया, तो मैं ये अब आ गया हूँ इस तरफ और अब मैं जा रहा हूँ क्या नाम है हलाल फेस्टिवल की तरफ। तो मैं अब इसको आगे की तरफ करता हूँ, तो आप देखिए ये हमारा वही मिसागा पुराना जो मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये देखें पीछे की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी गिर जाएगी, वो सामने स्क्वायर वन का इलाका है। पहले जो इससे पहले मैं कह रहा मैं अल्लाह करो तो ये फटा हो जाए गड़ी अंदर। इससे पहले जो जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, सॉरी ज़रा कैमरा टिल्ट हो गया था, इससे पहले जितने भी फेस्टिवल होते थे तो इतना रश नहीं होता था। ये चूँकि पेंडेमिक के बाद जो है ना पब्लिक जो है बिल्कुल पंजाबी कहते हैं अक गई सी। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस गोना एंजॉय इट। और मैं जाऊँगा, वैसे तो रास्ता इधर से भी है, मोस्टली आपको हिजाब नज़र आएंगे, इससे अंदाज़ा होगा कि मिसागा में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या नाम है मुस्लिम पॉपुलेशन। मैं पहले बाहर से आपको दिखाता हूँ के बाद फिर अंदर बूथ की तरफ चलेंगे। एज यूजुअल एक कमेंट था कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है। भाई वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, मेरी वीडियो जो है ना मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, कितनी खलकत है वो है। अमूमन मैं फेस्टिवल कोई होता है तो यहाँ से पहले मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो वीडियो जो है जी व्यूअर इवन बफलो की भी पड़ी हुई है, इवन पाकिस्तान की भी पड़ी हुई है। मैं डालता हूँ तो जब मैं डालता हूँ तो लोग जो हैं फिर कहते हैं कि आप क्या दोबारा पाकिस्तान आ गए। इससे पहले के गाने शुरू हो जाएं, लेट मी गो। इस दफा तो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा, इस दफा तो बहुत ज्यादा ही रश है। इससे पहले इतना रश मैंने आज तक किसी भी फेस्टिवल में नहीं देखा। आई एम ग्लैड, जबकि मैं चक्कर में था कि संडे को कल आऊंगा, क्योंकि ये आप इसे अंदाज लगा दो। चले भैया।